अब आप छोड़ दीजिए, उपेंद्र भाई, सोहनी जी, चिराग भाई, सब भाई, आप इतने समझिए, यह कंट्री 2024 का चुनाव IB ED CBI चुनाव आयोग और सिक्योरिटी के आधार पर ही लड़ेगी, लास्ट में हिंदू मियां चलेगा। विपक्ष को कमजोर होने की जरूरत नहीं है, विपक्ष यदि गलत नहीं है तो कोई माई का लाल, कोई एजेंसी कुछ नहीं कर पाएगी। सवाल खड़े किए हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो और तमाम, उन्होंने एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखे हैं, तमाम विपक्ष के बड़े नेता जो है, उस चिट्ठी में नीतीश कुमार ने, लेकिन उसमें नीतीश कुमार का नाम साइन नहीं किया, साइन नहीं किया एजेंसियों में, धरना थोड़ा सा IT IB CBI यही सब जी जी, ये तो सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात को स्वीकार करती है और उन्होंने भी कहा, ममता दीदी हो या कोई, कभी ममता दीदी कांग्रेस के साथ दस्तखत कर लेती है, कभी नहीं करती है, नीतीश कुमार जी अपनी अलग पार्टी है, अब नीतीश कुमार जी भी PM के चेहरे हैं, ममता दीदी भी PM के चेहरे हैं, तमिलनाडु के CM भी PM के चेहरे हैं, देश में जब PM का चेहरा होगा, एजेंसी लगा था, आप इस बात को देख रहे हैं कि जिस तरीके से यूज कर हमेशा, क्या BJP में कोई सब सती सावित्री है, BJP के गठबंधन में सब सती सावित्री है, नीतीश कुमार जी को तो कोई घाटा नहीं ना होने जा रहा है भाई, लालू यादव जी ने गलत सही क्या किया, तो आप 7 सालों से 8 सालों से आप सरकार में आप कहाँ सोए हुए थे, आप अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं दी, आप क्या डरा रहे थे, या नीतीश कुमार जी आप दोनों ना मिल जाए इसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, तो आपने जब देख लिया नीतीश दोनों मिल गए और आपकी बात नहीं चली, तो अब आप डर को खोल रहे हैं, तो अपने तरीके से आप एजेंसीज को चलाइएगा और उसके बाद कुंभकर्ण के नींद में सोइएगा, गलत को गलत कहिए, करिए, मुझे उस पर आपत्ति नहीं है, वो कोर्ट देखेगी, चंद्रचूर जी है, विपक्ष को कमजोर होने की जरूरत नहीं है, विपक्ष यदि गलत नहीं है तो कोई माई का लाल, कोई एजेंसी कुछ नहीं कर पाएगी, गलत होगा तो डरना होगा, इसको आप समझ लीजिए। सुशील मोदी कह रहे हैं कि वही आदमी हस्ताक्षर किए हैं जो कि कई घोटाला में फंसे हुए हैं। सर सुशील जी क्या कह रहे हैं, पहले तो सुशील जी से पूछिए, बिहार में जो सृजन घोटाले से लेकर के इतना घोटाला है, उसमें आप लोगों से और किसी से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है, और CBI बिहार के कई घोटाले हुए हैं, इंडिया में कई घोटाले हुए हैं, उसमें क्यों नहीं पूछताछ हो रही है, हथियार खरीदने के घोटाले हुए हैं, कितने बार सवाल हुआ उस पर क्यों नहीं पूछताछ हो रही है, सुशील जी से पूछिए कि इतना दिन कहाँ गायब थे, लालू यादव जी ने चोरी किया या जमीन दी, तो आप 9 सालों से गायब कहाँ थे, आप इसके पहले भी पूछताछ आप कर चुके हैं, तो एक ही कितने बार हलाल होगा, एक ही बकरा एक ही मुर्गा कितने बार आप फाइनल करिए, जो गलत है उसको कोर्ट में दीजिए, कोर्ट तय करेगी गलत और सही का, आप एजेंसी को डराने के लिए रखते हैं ये गलत है, और नीतीश कुमार जी को तो भाई अपर हैंड है, नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी के परिवार जब चोरी में जेल जाएंगे या फंसेंगे, CBI उसको तंग करेगी, तो नीतीश कुमार जी अकेला ना बचेंगे बिहार में, हो जिस पर कोई सवाल खड़ा नहीं होता, तो नीतीश कुमार जी तो पॉलिटिकल और उनको ताकत मिलती जा रही है। एक एक सवाल सर, नीतीश कुमार ने तेजस्वी को जो उत्तराधिकारी घोषित करने की बात की है, तो जदयू में कहीं ना कहीं भगदड़ मची है, पहले उपेंद्र कुशवाहा, फिर मीना सिंह, और अभी नागालैंड के तमाम जो लोग हैं वो BJP को समर्थन तो करते दिख रहे हैं। नहीं आता है, नागालैंड एक छोटी पार्टी है, 200-100 वोट पर MLA बनता है, एक बूथ पर 3 वोट है, 2000 पर MLA बनता है, पैसा जिसके पास नागालैंड और की कोई छूट, आप मणिपुर का जो ठीक है जनप्रतिनिधि है, लेकिन नागालैंड जो छोटी पर स्टेट है वहाँ डेमोक्रेसी बहुत कम है, वहाँ व्यक्ति और मनी ज्यादा है, वहाँ जदयू चला जाए आ जाए, अब उपेंद्र भाई के बारे में क्या कहना, मुझको तो समझ में नहीं आता है कि क्या केंद्र अगला चुनाव CBI ED IB और सुरक्षा देने के आधार पर ही लड़ेगी, पहले
अब पप्पू यादव को डेली मारने की तैयारी है, डेली फोन आता है नेपाल सब जगह से माफिया पर हमला नहीं करो तो हम तो बाप बाप नहीं करते हैं। आपने तो वाई प्लस हमारा था, आप ले लिए। अब आपसे मैं लगातार आग्रह कर रहा हूँ, आपने तो हमको दिल्ली में घर भी नहीं दिया अभी तक। ये मैडम को पप्पू यादव के कारण यदि मैडम को घर नहीं मिल रहा हो, एक साल एमपी हो गए, तो क्या हम बीजेपी के आइडियोलॉजी को जिस दिन मान लेंगे उस दिन घर मिल जाएगा, या उस दिन हम भी जट कि उसके पहले क्या हमको सुरक्षा नहीं मिलेगा? तो अब आप छोड़ दीजिए, उपेंद्र भाई, सोहनी जी, चिराग भाई, सब भाई, आप इतने समझिए, यह कंट्री 2024 का चुनाव IB ED CBI चुनाव आयोग और सिक्योरिटी के आधार पर ही लड़ेगी, लास्ट में हिंदू मियां चलेगा।